पास में आओ, आप पालती मार के बैठ जाओ, पालती मार इतने आओ सर के, पालती मार के बैठ जाओ। कहाँ से आई हो? मैं उठाऊ बस्ती से। कहाँ पड़ता बस्ती है? ये गोरखपुर के पास में पड़ता है। अच्छा, कहाँ? मोबाइल रिकॉर्ड कर रहे हैं क्या? नहीं नहीं, वो पर्ची निकाल रहे हैं जो इनके नाम है। अच्छा, इनके नाम पर्ची कटवाई वो निकाल रहा है। रखे रहो पर्ची, रखे रहो, हमें जरूरत नहीं है। यहाँ तो वो दस्तखत करेंगे, यहाँ दस्तखत नहीं करते। क्या समस्या आपकी? ऐसे बैठो, सीधे बैठो, ऐसे कैमरे, भगवान के कैमरे में ऐसे। पहले से टेढ़ दिखाई दे रहा था, अब पूरा लकवा मॉडल है हाथ। आपको लकवा मार रहा है? पूरा लुज दिखाई दे रहा है आपको। इसकी पे छोड़े, मौत टेढ़ा हो रहा है, लकवा टाइप है। हाँ। खून का संचार खुलेगा, तंत्र क्रिया है, तत्काल लाभ होगा। पंडुका धाम पांच मौसक जो तारीख लिखी है, और आपका मोतेड़ा और हाथ का लकवापन अभी से खत्म। पूरा शरीर लुज जमा, चिंता मत करो, आंखें बंद करिए। लीजिए हाथ से पकड़ो, उसको पकड़ो, तानो उसको, लगाओ ताकत। अब तो कोई दिक्कत नहीं है, ताकत ले पा रही हो? एकदम तेजी से और तेजी से हट। रोते चिल्लाते हुए उसका लकवा बाहर निकाल दिया जाए। जो व्याधि का लकवा है, परलक्षित है, व्याधि से संबंधित, उसको तेजी से खेलने दें। कीकते चिल्लाते हुए माइक लगा मुंह से, एकदम तेजी से ये लकवा नहीं था साहब, ये लकवा के रूप में ये भूत परेशान कर रहा था। इसने इसका मुंह टेढ़ा कर दिया और इसने इसका हाथ की ताकत बंद कर दी थी। और देखो ये लड़की पे हाथ उसका सही हो गया। छुड़ा के दिखाओ, पकड़ो, छुड़ाओ उसका हाथ। तो जाने कहां का लकवा बकवा, राइट हो गया, जाओ आज के बाद इस मोड़ी को कुछ नहीं होगा। पांच मोहसा करना आशीर्वाद है। अब तुम लकवा समझते अब तक मर जाते, डॉक्टर ने लकवा के नाम पे इलाज कर डाला होगा। जाओ दिखाओ तो मुकर के कहो, टेढ़ा दिखे जाए तो बताओ, इतने देखो तो देखो, जाओ भग जाओ। हनुमान पंचगाड़े में बैठना, 11 दिन रुकना है, आपकी व्याधि खत्म। जिसकी पत्नी का नाम कविता या प्रीति हो तो खड़ा हो जाए। आइए, आपकी पत्नी क्या करती हैं? घर में रहती हैं या बाहर रहती हैं? कविता तो भाई की पत्नी का नाम तो बताइए आपसे। जी, ड्यूटी लगवाई थी एयरपोर्ट पे। पास में आइए, माइक उठाइए, माइक उठाइए। आपको यहाँ के बारे में कहाँ से पता लगा? माइक से बोलिए। यूट्यूब से। माइक से बोलिए ना। यूट्यूब से देख रहा था। चलिए आपकी समस्या बोले, क्या बात है? समस्या बोलिए, क्या बात है जी? 2011 में पिताजी एक्सपायर हो गए थे जी। उसके बाद बस फिर मामा जी के पास रहे, फिर कुछ अच्छा ही नहीं हुआ। शादी हुई थी, वो भी अपने घर, मतलब बस कहा सुनी पे नॉर्मल अपने घर चली गई। और अब आने का मतलब उनके माँ बाप मना ही कर रहे हैं, मतलब। और वो भी, आपका नाम क्या है? रोकी है? रोकी, रोकी। आपकी पत्नी का नाम क्या है? प्रीति। चलिए, हमने इसमें लिखा है, स्कीम छोड़ दिया जाए। हमें लिखा स्वास्थ्य ठीक रहेगा, कविता उर्फ प्रीति, नहीं कविता उर्फ नहीं लिखा है, कविता नहीं, कुछ लोगों शांत रही है वहां। देखो क्या लिखा है कविता के बाद, प्रीति, लेकिन इसमें उर्फ तो नहीं लिखा। नहीं, इसमें लिखा है कविता यानी कि आपकी भाई की पत्नी, और प्रीति माने आपकी पत्नी, क्योंकि खेल राइटिंग का है। उर्फ होता तो एक ही हो जाता और अलग अलग है, तो उसमें लिखा है डैश का क्या कैसा लगा है? डैश लगा है, दो है, यानी कि कविता और प्रीति। एक घर में एक लड़की
एक ही घर में विवाह हुआ है, ऐसा है क्या? हेलो, ऐसा ही है ना? हाँ तो ठीक है, आगे देखो भैया, हमें ही लिखते हैं, हमें को पता नहीं क्या लिखते हैं। मदरा छूटेगी, घर में तनाव बना है, गर्भपात्र हो जाता है, बालक होगा, कैरियर बनेगा, आपसी समस्या हल होगी, प्रीति की समस्या हल होगी, और आपकी जो कविता जी हैं जो एयरपोर्ट पर जॉब करती हैं या एयरपोर्ट से संबंध रखती हैं, क्या ऐसा कुछ है? जॉब करती है एयरपोर्ट पे, करती ना, आपको शंका है, गड़बड़ है, अड़बड़ है, सड़बड़ है, मैं कुछ बताऊंगा नहीं, लेकिन सब ठीक ठाक है। जय सीताराम, तुम्हारा कल्याण हो जाए, तुम्हारा भला हो जाए, तुम्हारा परिवार बन जाए, हमको चुकार है, लेकिन हमारे हिसाब से चलना, और इसके लिए एक उपाय है, तो सुबह मिल लीजिएगा सोनू महाराज जी से, और 11.25 किलो जलेबी पंडुक सगार पुष्पावती पे चढ़ा करके, वहाँ एक प्लेट वहाँ चढ़ाएंगे, एक पंडुक सगार पे, और एक प्लेट मेरे कमरे में भेज देना, तुम्हारा काम हो जाएगा, आशीर्वाद, तुम्हारे घर में भी मीठा रहेगा सब। चलो भागो, डाटा समाप्त।